शारदा बाबू ज्ञानी बाबू या परिवार के जो भी हमारे सचाऊ बाबू जी सचाऊ सब लोग सुनेंगे इस लाइन को चार लाइन सुन ले और मैं श्रद्धांजलि गा रहा हूं हमारे भाई श्री सुरेंद्र यादव छपरा गाजीपुर सादात गाजीपुर सुजमिलान करते हैं और सतीश यादव हमारे भैया जपानी भैया के धरती से मिलान करते बड़े अपने फल के माहिर फलकार है छोटे भाई बबलू यादव सभी लोगों का अभिनंदन है और हमारे पाला यादव भैया हमारे भदोही की धरती जो सम्मान करते हैं बहुत बहुत प्रणाम क्या रहे क्या रहे हमारे पंच गुरु जी आइए ला स्वर्ग सरताज सहदेव के पंसनी स्वर्ग सरताज सहदेव के पंसनी कुल के कुल भूषण कहलाए थे रामदेव फूलबासी मैया के आंचल किया भा अमर ज्योति अपनी जलाए थे रामदेव राम जन्म चमकोगे तुम चांद सा यही आशीष हमको सुनाए थे रामदेव सरताज सहदेव के वंश में कुल के कुल भूषण कहलाए थे रामदेव फूलवासी मैया के आंचल की आभा अमर ज्योति अपनी जलाए थे रामदेव विरह की श्रेणी में वीर रस गाने में विरह सम्राट पद पाए थे रामदेव राम जन्म चमकोगे तुम चांद सा यही आशीष हमको सुनाए थे रामदेव आज के चार लाइन की श्रद्धांजलि है क्या कहना मास्टर चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए क्या है कलम धन्य ओ कलम उवाज समाज के करी आज
जो चंद्रिका गुरुजी लिखी। धन्य वह कलम और धन्य वह वो आवाज जोन हमारे धर्म के पूज्य बाबूजी और रामदेव गुरुजी के कंठ में वो आवाज रहा। अभी सुरेंद्र भाई बता रहे थे तो धन्य वह कलम धन्य वो आवाज समाज देकर आज भी दीवाना। पहली लाइन हमारे गुरु जी लिख रहे हैं कि क्यों आए यहाँ क्यों अवतार हुआ उनका। ये दो मनुष्यों का इस धराधाम से अवतार क्यों हुआ था। अरे हमारे वियोगी कवि जी आपने गागर में सागर भरने काम किया है। भदोही के धरती समरे बड़का भी सबसे निराला अंदाज हो सबसे निराला अंदाज समाज के कर आज दीवाना। सबसे निराला कविता यादव आठल बाबू दोनों लोगों के ओर से सम्मान किया गया। बिरहा की बगिया के आप लोग फुलवारी को सींचे ये हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत बधाई। ये बहुत सुंदर उपहार बहुत बहुत लोगों का पुरस्कार देकर के बिरहा जगत के दोनों कलाकार अपने मन की बड़ी बात नकारा मालिक करें। गुरु जी लोग आशीर्वाद लगे कि कला क्षेत्र में बोल के चार चार लगे ये हमारी शुभकामना है। 500 रुपए का आशीर्वाद हमारे बिहारी भैया रामलाल गुरु जी के आप भतीजा हैं और बिरहा तो में जैसे अर्जुन कृष्ण भगवान हो कलाकार बड़े स्टार कलाकार हमारे भाई सुरेंद्र यादव सादा छपरा जनपद गाजीपुर जैसे अर्जुन आए हाय हाय दोपहर में जैसे अर्जुन कृष्ण भगवान हो चंद्रिका गुरु जी राम देव सुरचान हो पहल जमाना सर पिताजी हो पहल जमाना सर पिताजी जमाना राजी ये कपाटी माना जैसे द्वापर में कृष्ण अर्जुन के साथ रहो वैसे इस युग में शर की चंद्रिका गुरु जी और रामदेव बाबू जी के साथ रहा। जमाना कायल होकर के सर पे ताज बांधा
सागर भरे चंद्रिका के गीत हो देवक संगीत हो पहला चंद्रिका गुरुजी का गीत हो अब भरते जवानी रामदेव का संगीत हो जितना बढ़िया लिखोया उतना बढ़िया गवैया हो इतने ना गौर करे कैसे माटर क्या करे मुन्ना जन जन के दिल पे करनाज हो जन जन के दिल पे करनाज समाज के कर आज भी दीवाना चौथी पॉइंट बड़ी खूबसूरत है चौथी पॉइंट चार पांच पॉइंट था लेकिन चौथी पॉइंट सिमरत प्रधान जी उस घराने का बयान करते हैं जहां तिराहा के देवता जन्म लिए थे जहां तिराहा के देवता का जन्म हुआ वही आपका भी जन्म हुआ है तो तनिष्ठ इस लाइन पर गौर करें कहना कैसे बाटर हर लाइन तीन पवार करे वाली है क्या बात है दो बेटा क्या लिख डाले कभी भी क्या? हमारे गुरुदेव ने गागर में सागर भरने का काम कलम से इसलिए किया है रात भर में कुल बिरहिया धरती पर गावे जब तक रामदेव गुरु का नाम न लिए बिरहा में तब तक बिरहा अधूरा रह गए हई गीत रामदेव गुरु को बोले हई गीत रामदेव गुरु का हई गीत पुल्लू गुरु का चंद्रका गुरु जी इसे लिख ले जब तक बिरहिया नाम न लिया हम लोग नाम न लो गला तो फिर हवा अधूरा रह जाना इसलिए कहना है क्या कहना मास्टर आइए पांचवी कड़ी बड़ी बढ़िया बात करने के लिए कैसे मास्टर दो जोड़ी बाबा कौन जोड़ी पूरे
रहा जगत में दो ही जोड़ी हमारे हमारे भी योगी कवि जी बिहारी भैया हमारे चंद्रहास भैया हमारे राय साहब आ गए बड़े मौके पे क्या कहना है और हमारे गुरु जी मंच में तो बैठे हैं गुरु जी सुन रहे हैं आप लोग यहाँ नहीं थे बाथरूम में जब मैंने गाया कि स्वर के सरताज सहदेव के वंश में कुल के कुल भूषण कहलाए थे रामदेव फुलवासी मैया के आंचल की आभा अमर ज्योति अपनी जलाए थे रामदेव विरह की श्रेणी में वीरस गाने में विरह सम्राट पद पाए थे रामदेव राम जन्म चमको के तुम चांद सा यही आशीषम को सुनाए थे रामदेव जब ये लाइन मैंने गाया तो ये दोनों देवता दोनों मनीषी नहीं रहे हमारे राय साहब और हमारे हमारे चंद्रहास गुरु जी लिखे वाले हमारे पूज्य गुरु जी श्री हरिद्वार कवि जी हैं इस लाइन को हरिद्वार गुरु जी ने पिरोया था तो अगली लाइन में दो जोड़ी की मैं बात बता रहा था विराह में दो जोड़ी कौन जोड़ी है बाबू जोड़ी हाँ तू तक कहबे करवा वही में चाहिए हुआ दाल उठा दला करा आरती रहा में तू ही जोड़ी सबसे निराली रामदेव वाली काशी बोलो चंद्रिका कवि रामदेव वाली सबसे अनोखा सूरताज हो से अनोखा सूरताज समाज के आज एक लाइन आखिरी लाइन गाकर जा रहा हूं और यह बताकर जा रहा हूं विराह से ऊपर की बात कवि जी ने लिखी है तो जोड़ी काशी बल्लू चंद्रिका रामदेव काशी बल्लू चंद्रिका रामदेव जैसे लिखोइया वैसने गोइया और इस लाइन पे जो दाहिने हमेशा चलते रहे सुख में दुख में हमेशा जो हमारे धर्म के पीछे दादा स्वर्गीय सहदेव गुरु जी के जमाने से जो इस खानदान से बिलोंग करते हैं परम आदरणीय हमारे श्रवण पांडे वजह गुरु जी अनपढ़ गुरु जी से निवेदन करूंगा कि गुरु जी एक मिनट के लिए आप खड़े हो जाएं मैं आपका सम्मान करूं चूंकि आप इस खानदान से बिलोंग करते हैं और आपके कलम के लेखने का कोई जवाब नहीं है बात होती है तो बगैर नाम ले ले वो कार्यक्रम अधूरा हो जाना कंपनी से विराह न हो उन्हें विराह में क्यों गीत न आवे जो गीत कभी कुलभूषण कभी के जादूगर कलम के जादूगर हमारे
وجه سرگی چندر کا کبھی بھی لکھیو اور اس گیت کو رام دیو گرو نہ گائے ہو کوئی بھی کلاکار ہو رام جنم ہو چاہے دھرتی کے کوئی کلاکار ہو جب تک نام نہیں لے گا برہا کی جہاں بات آتی ہے جہاں برہا کی بات چلتی ہے تا ریڈے نہ چڑھے محفل میں تازگی نے آئی اور کہا کیانی بابو اس لیے میں نے کہا کہ وہ امر ہے وہ مرے نہیں ہے جن کی ٹیلی کلم کی چرچا ہوتی ہے ٹیلی گائکی کی چرچا ہوتی ہے ایسے دیوتا زندہ ہے امر ہے تو کیا بات ہے محفل میں اٹھے جب بھی تیرہا کے نام سے سواری جل ساج سماج دے کر حاجت ہی دیوانا کبھی کی دل کی یہی گہار ہے یہی پکار ہے کیا ہے بابو آواز دھرتی دھام قائم جب لے آخری انڈا ارے دھرتی دھام قائم جب لے دھرتی دھام قائم جب لے رہی سوریہ چاند ہو بدل رہی راما دیوا چندریکا سے یاد ہو ہم اپنے گرو جی کچھ یوگی کریں سماج دے کریں